हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको वुलन से फ्लावर बनाना बताएंगे। ये हम दो कलर से बनाएंगे, आप किसी भी कलर से बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको लेंगे और फिंगर्स के ऊपर लपेटेंगे। ये एक ही फिंगर्स के ऊपर लपेटेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, हम फिंगर्स के नहीं, एक फिंगर के ऊपर लपेटना है हमको इस तरीके से। और इसके बाद देखिए, हमने ये वाली ही धागा उनका निडल में डाल लिया है और ये बैक साइड से हमें निकालना है। ये हमने डबल लेयर में डाला है और इसे कट कर लेंगे। और इसे निकाल लेंगे। इसको इसी तरीके से हमें निकालना है पूरी राउंड पर। अभी देखिए, फिर से हमें इसी तरीके से लेते हुए चलना है। इस वाले धागे को हमें फिंगर से पकड़ना है और तब इसे तरीके से चलाना है। ये हम डबल राउंड ले रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, हमने पूरे में दो बार डबल राउंड इस तरीके से घुमा लिया है। देखिए, इसमें हमने दूसरे कलर का धागा डाल लिया है, उसमें नॉट्स लगा लेंगे। ये भी हमने डबल लेयर में डाला है और इसे हमें यहाँ से निकालना है। पहले हमें नीचे की तरफ से ऐसे निकालना है ताकि हमारी जो नॉट्स लगाई है ये दिखाई ना दे। और उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से निकालना है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के हमें इस तरीके से लेना है। अब देखिए, इसके बाद में हमें इसमें से इस तरीके से नीडल को निकालना है और उसे इस तरीके से अंडे को लेना है। और अब इसके बाद में हमें लेना है ये दूसरे वाले।
पहले यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे, और फिर अब ये जो हमने दूसरा वाला इसका बनाया था इसमें से हमें निकालना है। फिर से इसे हमें यहाँ से निकालना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें पूरे में से निकालने हैं, जिस तरीके से हमने ये बनाया है इसी तरीके से हमें ये जितने भी हमने ये धागे लिए हैं इनमें से इसी तरीके से निकालना है। अब देखिए ये हमने इस तरीके से पूरे में बना लिया है, और इसे हमें यहाँ नीचे की तरफ निकालेंगे और इसमें हम ये मोती डालेंगे। आप कोई बटन वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, और इसके बाद हम फिर से इसे नीचे की तरफ निकालेंगे। आप किसी कुर्ती वगैरह पर ये कढ़ाई करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए ये कढ़ाई बहुत सुंदर लगती है। अभी किस तरीके से बनाए ये हमने आपको बता दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।